नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीएनबीसी आवाज और एंटरप्रेन्योर मैगजीन की इस पेशकश में हम आपको नए बिजनेस आइडियाज तो देते हैं ही, साथ ही ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस को बड़ा करने के तरीके भी बताते हैं। आज हमारे साथ देखिए कैसे बचपन में सड़कों पर इडली बेचने वाला एक लड़का बना 7 करोड़ की वर्थ का फूड केटर। मैं धंधा चालू करूँ और वो धंधा से 1 लाख लोग को मैं जॉब दूँ, ऐसा सोच के बहुत छोटा से ये बिजनेस चालू किया। और सस्ते में बिजनेस करने के कुछ बढ़िया आइडियाज हमें बताएंगे आदित्य बिरला कैपिटल एडवाइजर्स के सीईओ भरत बांका। आई हैव कॉइंड अ टर्म कॉल्ड कोलैबोरेटिव कंपटीशन, और इसका अर्थ मेरे हिसाब से ये है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कोलैबोरेट करें कॉस्ट कटिंग के लिए। अच्छा। लेकिन आप उनके साथ में कॉम्पीट करें अपने कस्टमर के लिए। रैक्स टू रिचेस की कई कहानियां आपने सुनी होंगी। तनुश्री बैनर्जी मिली सरत बाबू से, जो बचपन में चेन्नई की सड़कों पर गुजारे के लिए अपनी माँ के साथ इडली बेचा करते थे, लेकिन आज 7 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था तब मैं एक लदर कंपनी में काम कर रहा था, तो मेरे साथ 20-25 बच्चा भी काम कर रहा था। तब मेरे को बहुत अच्छा है वो टीम वर्क, और मैं उनको थोड़ा लीड कर रहा था उस समय। तो मेरे को फ्यूचर में ऐसा करना चाहिए, मैं जब बड़ा होता है ऐसा एक टीम मैनेज करना चाहिए। तो उधर से ही मेरे को शुरू हुआ था, मैं एक कंपनी खोले। मुश्किलों से घिरा बचपन गुजार रहे शरद को पता था गरीबी से निकलने का एक ही तरीका है, मेहनत और लगन। इन दो चीजों के सहारे घर पर हाथ बटाते बटाते शरद ने अपनी पढ़ाई पूरी की और IIM अहमदाबाद से MBA की डिग्री ली। IIM अहमदाबाद में ये जॉब नहीं लिया, जब यू नो लाइक सब लोग को जॉब मिल रहा था और वो कंपनी ज्वाइन कर रहा था, और मेरे को जॉब मिला है मेरे पोजीशन के वजह से। मैं एनीबॉडी एल्स इज देयर वो जॉब लिया होगा, लेकिन मैं जॉब नहीं लिया और ये डिसीजन लिया मैं बिजनेस चालू करूँ, ऐसा मेरे को क्वेश्चन आया था। तो तब मैं सोचा जैसा इंडस्ट्री हो उसमें फेल्योर कभी ना हो। हालांकि ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं जिसमें 100% सक्सेस रेट हो, लेकिन क्योंकि शरद को बचपन से चाहे छोटे स्केल पर ही सही लेकिन खाने के बिजनेस का कुछ अंदाजा था, उन्होंने इसी इंडस्ट्री में अपने लिए मौका ढूंढा। शुरुआत में मेरे पास जैसा आप बोला मेरे पास खाली 2000 रुपया था, और कंपनी रजिस्टर करने के लिए मेरा फ्रेंड से मैं हेल्प मांगा, और फिर हेल्प मांग के फिर मैं वो कंपनी रजिस्टर किया। उसके बाद मेरा पहला जो ऑर्डर है, मैं ऐसा किया मेरा मन में मैं जितना भी छोटा सा स्टार्ट करूँ उतना छोटा स्टार्ट करूँगा, लेकिन जितना बड़ा कर सकता हूँ उतना बड़ा मैं पहुँचूंगा, ऐसा मेरा मन में एक माइंडसेट बनाया। फूड किंग केटरिंग कंपनी है, स्कूल कॉलेजों और ऑफिस की कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट लेती है। शरद का मानना है कि इंस्टीट्यूशनल केटरिंग में वॉल्यूम ज्यादा होते हैं और इससे नुकसान की गुंजाइश कम रहती है। पहला है इस इंडस्ट्री में तो इन्वेस्टमेंट कम है और रिटर्न्स अच्छा है और रिस्क बहुत कम है, तो ये बहुत एक अट्रैक्टिव पॉइंट हो जाता है इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग में। तो पहले तो मार्जिन ऐसा बोलता था 100% मार्जिन मिलता है ऐसा करके, लेकिन आज कल तो 10% से लेके 15% तक मार्जिन मिलता है। तो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक कंफर्टेबल से मैनेज कर सकता है, नुकसान नहीं होता है, लेकिन एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट है तो बहुत मुश्किल है। फूड केटरिंग एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, इस बाजार में शरद खुद को प्रोफेशनल की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए अपने टारगेट इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करते वक्त वो अपना प्रोफाइल उन्हें भेजते हैं। मैं एक प्रोफाइल भेजता था कंपनी के को कॉलेजेस को, जैसा मैं काम कर रहा हूँ दूसरे जहाँ पे, कैसा मेनू रखता हूँ, क्या रेट रखता हूँ और कैसा एम्प्लॉयज होता है, ये सब एक प्रोफाइल करके फिर बेचता हूँ। और वो देख के परफॉर्मेंस देख के और उनका स्टाफ बेच के वो कैसा ऑपरेशन चल रहा है देख के फिर वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हमको देता है। और पहले साल से दूसरा साल कैसा कंटिन्यू होता है
क्योंकि हम मेनू को चेंज करते रहता है और बहुत सारे नया वैरायटीज लाता है और क्वालिटी भी वो रेट के हिसाब से बहुत अच्छा रखता है। तो हर साल एक कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं क्योंकि हर साल ये रेट भी नेगोशिएट करना पड़ता है, तो एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉर्मली। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस की कैंटीन में खाना महंगा नहीं रखा जा सकता। अगर खाना महंगा हुआ तो लोग लंच टाइम में बाहर निकलकर भी खा सकते हैं, इसीलिए शरद को अपनी कॉस्टिंग का खास ख्याल रखना पड़ता है। फूड किंग आज देश के 6 शहरों में मौजूद है। शरद फ्रेंचाइजी के जरिए न केवल देश बल्कि विदेश में भी अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं और शरद को यकीन है कि अगर वो अपने एक मंत्र पर खड़े उतरते हैं तो ये काम हासिल करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो मंत्र क्या है? अच्छा क्वालिटी, अच्छा सर्विस, मीडियम प्राइस। शरद की कहानी से एंटरप्रेन्योरशिप का जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी हो, अगर आप में जज्बा है तो आपको बड़ा होने से कोई कोई नहीं रोक सकता। जिस आदमी ने गरीबी को अपने हाथ की बेड़ी न समझकर उसे अपने सशक्तिकरण की वजह बना लिया, उसे कोई क्या रोकेगा। एक ब्रेक लेंगे हम यहाँ पर। ब्रेक के पार हमें आज बिजनेस सस्ते में करने के गुर सिखाने आए हैं आदित्य बिरला कैपिटल एडवाइजर्स के CEO भरत बंका। सो डोंट गो एनीवेयर।